सब धर्म धर्मांतरण नहीं धर्मांधता कट्टरता हिंसा नहीं एक दूसरे के धर्म का सम्मान करने वाले बड़े यूनिफॉर्म सिविल कोड इस बात को नहीं कहता है कि आपकी धार्मिक स्वतंत्रता में कोई दखल होगा परंतु आप भी दूसरों के में दखल नहीं दें इसकी सावधानी उसमें आएगी बुलडोजर अभी तक किसी भी वैध जगह पर नहीं चला है अवैध पर ही चला है अगर जो इसकी निंदा करते हैं इसका मतलब है कि वह देश में अवैध निर्माण चाहते हैं नमस्कार मैं दिव्या कोचर आप देख रहे हैं टीवी नाइन आरएसएस देश और दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवक संगठन जो देश की मौजूदा सरकार का पैतृव संगठन भी माना जाता है संगठन कहता है कि वो भारतीय संस्कृति और मूल्यों को मजबूत करने के साथ साथ बहुसंख्यक हिंदू समाज को भी मजबूत करना चाहता है जिसके लिए हिंदुत्व की विचारधारा का प्रचार करता है संगठन की नज़र तमाम देश में हो रही घटनाओं पर भी होती हैं और जो संगठन का विचार होता है वो देश के लिए एक नई दिशा भी तय करता है इसलिए आज मेरे साथ मौजूद हैं आरएसएस के वरिष्ठ नेता और मुस्लिम मंच के वरिष्ठ सदस्य इंद्रेश कुमार जी इंद्रेश जी आपका टीवी वी नाइन में बहुत बहुत स्वागत है इंद्रेश जी मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि देश में जिस तरीके का माहौल दिखाई दे रहा है क्या लग रहा है कि फिजा बदल चुकी है देश किस ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ऐसा है कि इस समय भारत जातीय भेदभाव और छुआछूत से निकलकर मजबी मजहबी कट्टरता हिंसा और एक्सप्लाइटेशन से निकलकर प्यार भाईचारा शिक्षा विकास और सब सद्भाव से रहें इन संस्कारों की ओर तेज़ गति से बढ़ना चाहता है, बढ़ है। परंतु कुछ लोगों को ये लग रहा है कि अब जो भी योजनाएं आ रही हैं और जो भी वातावरण बन रहा है कुछ वर्षों से भारत दंगा मुक्त भारत हो गया है कुछ समय से अपराध भी घटने लगे हैं परंतु भारत में ये सद्भाव बने शांति आए और विकास की ओर तेज़ गति से बढ़े और सब धर्म धर्मांतरण नहीं धर्मांधता कट्टरता हिंसा नहीं एक दूसरे के धर्म का सम्मान करने वाले बढ़े इसके प्रति ईर्षा रखते हैं और इसलिए वो भारत को दंगों वाला वैमनस्य वाला हिंसा वाला अपराध वाला भारत बनाने की सोचते हैं इसलिए ऐसे लोग पिछले कुछ दिनों से एक धार्मिक कट्टरता और असहिष्णुता फैला रहे हैं अगर इसको रोकना है तो इसके लिए उपाय है किसी भी प्रकार की किसी की भी धार्मिक जो भी गतिविधि है उसमें दखल देना उस पर हमला करना सब ने इसकी निंदा करना चाहिए क्योंकि यह असंवैधानिक भी है अमानवीय भी है, भी है अभारतीय भी है और इसलिए मैं इसकी सबकी घोर निंदा करता हूँ जो दल इसकी निंदा नहीं कर रहे इसका मतलब वह असंवैधानिक अमानवीय और अभारतीय काम कर रहे हैं इसलिए भारत के इस समय सबसे बड़ी ज़रूरत है पंथ से राजनीतिक दल से ऊपर उठकर सब निंदा करें और दूसरा सबके लिए एक कायदा कानून बन जाए यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात बहुत तेजी से हो रही है तो आरएसएस के यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर क्या विचार है जिसमें रहकर जो कायदा कानून होगा का उसके अनुसार ही अपने अपने धार्मिक कायदे कानून को करें इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड इस बात को नहीं कहता है कि आपकी धार्मिक स्वतंत्रता में कोई दखल होगा परंतु आप भी दूसरों के में दखल नहीं दें इसकी सावधानी उसमें आएगी इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है अपनी अपनी परंपराओं पर चलो दूसरे के परंपराओं में दखल नहीं दो आलोचना नहीं करो और इसके अतिरिक्त दूसरे की परंपराओं का सम्मान करो इसलिए धार्मिक कट्टरता नहीं धार्मिक सहिष्णुता भाईचारा धर्मांतरण नहीं धर्मों का सम्मान इसमें प्रत्येक के लिए लाभ है किसी को कोई खतरा नहीं तो इसलिए ऐसा एक कानून व्यवस्था हर राज्य में बननी चाहिए और ये बनेगी तो ये हो जाएगा नहीं तो राजनीतिक दल कभी कभी हिंदू को गाली देना हिंदुत्व को गाली देना ये बहुत अधिक करते हैं जो कि निंदनीय भी है अशोभनीय भी है और यह कृत्य अमानवीय भी, भी है इंद्रेश जी वर्तमान में कार्रवाई के नाम पर एक ही शब्द सुनाई देता है वो है बुलडोजर बुलडोजर से की गई कार्रवाई लोग आरोप लगा रहे हैं कि ये एक ही समुदाय को टारगेट किया जा रहा है और उन्हें डराने के लिए इस तरीके की कार्रवाई की जा रही है इस पर आपके क्या विचार है जो लोग ये आरोप लगाते हैं वह बेईमान है झूठ बोलते हैं इसलिए दो तरह की कार्रवाइयाँ सामने हैं बहुत साफ सुथरी एक है उन पर कानूनी कार्रवाई होना और एक संवैधानिक कार्रवाई भी साथ साथ होना इसलिए बुलडोजर अभी तक किसी भी वैध जगह पर नहीं चला है अवैध पर ही चला है अगर जो इसकी निंदा करते हैं इसका मतलब है कि वह देश में अवैध निर्माण चाहते हैं डायरेक्टली दे आर सपोर्टिंग द इलीगल कंस्ट्रक्शन इसका मतलब है कि वह संविधान विरोधी भी है मानवता विरोधी भी है समाज विरोधी भी है दोज हु आर क्रिटिसाइजिंग द बुलडोजर एक्शन इट मीन्स ओनली एंड ओनली दे वांट इ कंस्ट्रक्शन शुड बी देयर दूसरी बात वैन दे से कि इट इज़ ऑन ए वन रिलीजियस पीपल जो ये ऐसा कहते हैं वो भी झूठ बोलते हैं अगर सारा पढ़ेंगे जब इलीगल पर चला है तो उन्होंने ना पार्टी देखी है ना जाति देखी है ना पंथ देखा है सब पर चला है इतना सच सामने होने पर भी जो लोग रहते हैं वह है केवल और केवल देश को बांटने और लड़वाने का असंवैधानिक अभारतीय काम कर रहे हैं और उन पर यह खुला आरोप है वो कहते हैं कि एक मजहब वाले पर है बाकी सारा देश कह रहा है ये लोग झूठ बोलते हैं गलत बेलते हैं ये समाज को बांटना भड़काना और लड़वाने का काम कर रहे हैं इसलिए दे शुड नाट डू इट ये है बिल्कुल और आरोप सामने है सत्य सामने हैं फिर सत्य सामने होने पर भी आरोप लगाना झूठ बोलना इससे बड़ा अमानवीय कृत्य क्या होगा असंवैधानिक कृत्य क्या होगा इसलिए जो सामने हैं उस सामने के बाद भी कोई झूठ बोलता है तो क्या झूठ बोलने वालों पर भरोसा करना चाहिए क्या झूठ को छापना चाहिए क्या झूठ ही बताना चाहिए इसलिए मैं मीडिया को भी कहूँगा झूठ परोसने में एहतियात रखें अगर वो झूठ ज्यादा परोसेंगे तो देश के वातावरण को स्पाइल करने में उनकी भी भूमिका बन जाएगी आजान और हनुमान चालीसा को भी लेकर काफी विवाद चल रहा है और इसके आरोप लगाए जा रहे हैं हिंदू संगठनों पे इस पर आपके क्या विचार हैं अगर वहाँ के कायदे कानून सब के लिए बन जाएंगे और इसलिए जिन कारणों से ये झंझट खड़ा होता है अब सब राज्यों के सामने स्पष्ट हैं इसलिए हिम्मत करें और इसलिए मजहबों में आपस में भाईचारा हो कहावत तो यही है कि पंथ मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना परंतु कुछ राजनेता और कुछ मजहबी नेता जानबूझकर इनको भड़काने का काम करते हैं इसलिए जो नियम आप हनुमान चालीसा के लिए बनाएंगे वही नियम अजान के लिए भी होगा वही गुरबानी के लिए भी होगा वही जो है ईस्टर प्रेयर के लिए भी होगा वही बुद्ध वंदना के लिए भी होगा वही जैन परंपरा के लिए भी होगा इसलिए एक कॉमन एडवाइजरी बनानी चाहिए ताकि ये ये हो कि अपना कर सकें और दूसरे में कोई दखल ना दे एक और बात भी करनी चाहिए आई होप सो इट मस्ट बी मेड कंपल्सरी कि जब भी किसी धर्म का कोई धार्मिक उत्सव है कार्यक्रम है तो वह है भारत की भारतीय संस्कृति की परंपरा के परिवेश में और भारतीय संविधान के परिवेश में बाक़ी सब धर्मों के लोगों को भी उसमें बुलाएं, तो अपने आप ये धार्मिक टकराव ख़त्म हो जाएगा और धार्मिक सहिष्णुता भाईचारा प्यार ये बढ़ेगा इसलिए अपना मनाना और बाकी सब को भी उसमें इनवाइट करना तो मुझे ये लगता है कि इससे एक बहुत बड़ा अंतर आएगा और एक और हर धार्मिक कार्यक्रम के साथ साथ राष्ट्रीय रूप में भी कुछ सम्मिलित करना चाहिए तो इसलिए धार्मिक अनुष्ठान करते करते भी अगर सब जगह पर तिरंगा भी रहे तो रिस्पेक्ट बाय ऑल ऑफ द तिरंगा तो मुझे ये लगता है अपना धर्म पालन करने में भी संकट नहीं आएगा इंसान इंसान बना रहेगा और वह देश प्रेमी भी बना रहेगा तो इसलिए दो तीन बातें सारे देश को इस समय करनी चाहिए एक कॉमन एडवाइजरी फार परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ सेकंड इन्विटेशन टू ऑल टू जवाइन इन आवर रिलीजियस स्पिरिचुअल और प्रोग्राम और थर्ड जो उसके अंदर करना चाहिए और वो ये कि किसी भी दूसरे धर्म की आलोचना और निंदा नहीं करेंगे ऐसा और वहाँ से एक संदेश जाना चाहिए कि भारत नफरत का देश नहीं है हिंसा का देश नहीं है आलोचना का देश नहीं है यह सबके सम्मान का और सबकी स्वीकार्यता का देश है ऐसा एक अद्भुत इस समय देश बन सकता है वातावरण है तो मैं सारे राजनीतिक दलों से और मजहबी पंथीय नेताओं से अपील करूंगा कि आगे आए और सबके लिए समान आचरण सबके लिए समान सम्मान इस रूप में व्यवहार करें ना कि वह व्यवहार करते हुए पक्षपात इंद्रेश जी मोहन भागवत जी ने कहा था कि पंद्रह साल में अखंड भारत बनेगा ये जो अखंड भारत है लोग ये जानना चाहते हैं कि अखंड भारत कैसे बनेगा अखंड भारत में क्या क्या आएगा सब जानते हैं कि भारत की सीमाएं कहां-कहां तक थी अब उसमें नए नए देश बन गए परंतु पहले भी राज्य होते थे जनपद होते थे वहाँ के कानून होते थे करेंसी होती थी वहाँ के राजे महाराजा होते थे तो भी भारत एक भारत कहलाता था इसी प्रकार से लोगों की ये सोच है कि वह है जो हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक और पूर्व पश्चिम में जहाँ हिमालय और हिंद महासागर मिलते हैं इन सब के देश जैसे आज यूरोपियन यूनियन है एक यूए यूनियन है ऐसे ही ये सारा जो भारतीय संस्कृति से एक रहा है ये घुसपैठ मुक्त हो युद्ध मुक्त हो हिंसा मुक्त हो अपराध मुक्त हो एक दूसरे के सहयोगी बनकर भाईचारे से शांति से एक दूसरे को मदद करते हुए सब विकसित हों क्योंकि भारत ही एकमात्र है जो विस्तारवाद नहीं है मैत्रीवाद है भारत ही एक है जो युद्धवाद नहीं है शांतिवाद है भारत ही एक है जो सांस्कृतिक जीवन मूल्यों पर से विकास होना चाहिए तेज़े इसका मापदंड है और ये भारत ने ही एग्रेसर होकर कहीं हमले नहीं किए हैं किसी को तोड़ा नहीं है बल्कि भारत से तो देश अलग बने हैं इसलिए चाहते हैं कि भारत और उसके सीमाओं के सब लोग वह घुसपैठ मुक्त हों युद्ध मुक्त हों सेना मुक्त हों और वह भाईचारे से युक्त हों और भारत सबके विकास में पहले भी मदद करता था आज भी करता है और उसी तरह से करता चला जाए और इस प्रकार से सह अस्तित्व में मिलजुल कर जीना एक दूसरे के सहयोग में जीना एक दूसरे के विकास में जीना एक दूसरे के साथ और शांतिपूर्वक और आचरण में जीना यही एक परिसीमा है ये बनता है तो फिर एशिया और विश्व को दंगा मुक्त अपराध मुक्त और युद्ध मुक्त किया जा सकता है सारे आएंगे सारे जो आएंगे। ये लोग फिर सवाल करते हैं उनके अपने मन बेईमान है सवाल करने वालों का मन बेईमान है इसलिए वो फिर मुसलमान को अलग निकाल देंगे जितने ऐसे सवाल करते हैं मैं उनसे पूछता कि आप एंटी मुस्लिम हैं आप मुसलमान को अलग करके क्या कहना चाहते हैं आप मुसलमान का हित करेंगे जो जो अलग से मुसलमान पूछता है जो जो अलग से ईसाई या अन्य पूछता है वह सब प्रो मुस्लिम नहीं है मैं गारंटी से कहता हूं। इस समय भारत के अंदर गैर राजनीतिक रूप से मेरा मुसलमानों से ईसाइयों से नव से सर्वाधिक संवाद है विश्वसनीय संवाद है और इसलिए वो ये मानते हैं जो हमसे ऐसे अलग करके हमारी बात करते हैं वह सब हमारे दुश्मन हैं वो हमें नुकसान पहुंचाना चाहते हैं वो हमारे हित में नहीं हैं वे हमें बाकी सारे विकास से अलग फेंक देना चाहते हैं इसलिए वो इतना खुला कहते हैं इसलिए दोज हु टाक ऑफ ओनली ऑफ मुस्लिम्स वैन एवर दे टॉक मीन्स दे आर एंटी मुस्लिम सर्व जाति है सर्वपंथी है सर्व भाषा यह सर्वलिंगीय है, सर्व है, सर्व है इसमें कुछ भी छूटता नहीं नारी पर अत्याचार नहीं होना चाहिए नारी को स्पर्धा नहीं माना जाना चाहिए नारी का सम्मान ही यह पुरुष के गुण और अवगुण का परिचायक है नारी के बिना संसार में उत्पत्ति नहीं हो सकती इसलिए नारी का सम्मान यह भारतीय हिंदू संस्कृति की विश्व की श्रेष्ठतम व्यवस्था रही है और ये थी है और सदा रहेगी रहनी भी चाहिए और दूसरा जाति में छुआछूत नहीं जातिवाद नहीं बल्कि सब जातियों के प्रति सम्मान का सब जातियों के प्रति सहयोग का भाव हो रहे पंथों में कट्टरता और हिंसा नहीं धर्मांतरण नहीं धर्मांधता नहीं बल्कि धर्मों के सम्मान का भाव हो इसी को सर्वसमावेशी कहा गया इसलिए जिसमें सब स्वीकार हैं और जिसमें सब सम्मिलित हैं उसी को भारत राष्ट्र कहा हिंदू राष्ट्र कहा इंडियन नेशन कहा ये प्रायवाची शब्द हैं आर्य राष्ट्र कहा इसका अर्थ ही है आज अमेरिकन राष्ट्र कहलाता है आप क्यों नहीं सवाल करते कि अमेरिकन राष्ट्र में सब होंगे कि नहीं होंगे फिर भारत राष्ट्र या हिंदू राष्ट्र में क्या है आर्यव्रत से ये आर्य राष्ट्र है भारतवर्ष से ये भारत, भारत राष्ट्र है इंडिया से इंडियन नेशन है हिंदुस्तान से ये हिंदुस्तान राष्ट्र है हिंद से ये हिंदू राष्ट्र है इसलिए यह सर्वसमावेशी हैं राष्ट्र की दृष्टि से यह नेशनलिज्म है और वैश्विक दृष्टि से मानवता की दृष्टि से ये मानवतावाद और वैश्विकता है इस बात को सबने समझना चाहिए जो इसका खंडन करते हैं वो बेईमान है झूठ बोलते हैं बीजेपी सरकार पर लगातार ये आरोप लगते आए हैं कि ये मुस्लिम समुदाय को दबाती हैं डराती हैं इस बात पर आप क्या कहना चाहेंगे आरोप लगाने वाले आरोप लगाकर झूठ बोलते हैं वही सवाल खड़ा करते हैं बाकी किसी से ये सवाल नहीं है इसलिए जिनकी पॉलिटिकल जेलेसी है वह राजनीतिक वैमनस्य में से राजनीतिक कटुता में से उसको बंधित करते हैं आप उत्तर प्रदेश में देखिए बीजेपी ही है जिसने और मुसलमानों ने उसको कितना भी हराने के लिए घोषणाएं की तो भी तू दो तिहाई मत से जीत कराई और उन्होंने पसमांदा में से अंसारियों में से फिर भी एक मंत्री बनाया और उसके बाद जो वहाँ छः सात आयोग हैं अल्पसंख्यकों के उनमें भी राज्य मंत्री के रूप में कुछ लोगों को नियुक्त किया तो इसलिए जो ये कहते हैं मुझे लगता है कि उनके लिए आईना है कि देखो आईने में तुम्हारा चित्र और चरित्र बड़ा क्रूर है और झूठा है बहुत बहुत और ऐसे ही केंद्र सरकार में भी आप देखेंगे बीजेपी का कोई एमपी नहीं है तो भी उन्होंने राज्यसभा के माध्यम से लाकर अनेक मंत्री और राज्यपाल बनाए हुए हैं फिर भी लोग ये बोलते हैं तो आईना बड़ा क्लियर है उनका चेहरा झूठा भी है और क्रूर भी है और सामने साफ है कि वह है भारत और आज की सत्ता ये सर्व समावेशी थी सर्वसमावेशी है एक बात और भी है राज्यों में और प्रदेशों में लोगों ने बीजेपी पर आरोप लगाए कि बुलडोजिंग होगा कोई रहने नहीं जाए एक भी दुर्घटना नहीं बल्कि दंगा मुक्त भारत बना तो मुझे ये लगता है जो ये झूठ बोलते हैं उनके लिए पर्याप्त है परंतु अगर उन्होंने तय किया वो झूठ बोलते रहेंगे तो मेरा प्रेस का कहना है कि वह झूठ को परोसना बंद करे नहीं तो उन पर भी ये आरोप लगेगा कि इनको भी झूठ अच्छा लगता है सच बड़ा कम अच्छा लगता है इसलिए मैं प्रार्थना इसे वरी प्रेस से भी करूँगा जो शैतान की आवाज़ है उसके समर्थक मत बनिए उसको बुलंद मत करिए वह मानवता विरोधी भी है भारतीयता विरोधी भी है संविधान विरोधी भी है इसलिए संभल कर रहना चाहिए